वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मोटर में क्या करना है? देखिए आप, इसके अंदर के भी चलना नहीं है। अच्छा, इसके सर्किट वगैरह शायद खराब है या क्या है, देख लीजिए आप। जब ये सर्किट जल गया ना, तो आपका वायर भी यानी जल गया होगा यकीनन। तो आप ऐसा कीजिएगा कि मैं तो इस सर्किट चेंज कर दे रहा हूँ, लेकिन जो है ना, आप इसका वायर भी चेंज करवा लीजिएगा दोनों पेयर। नहीं तो होगा क्या, एक ये सर्किट जो है ना, आपका अच्छा वायर को जला देगा। अगर आपने वायर लगा दिया और आपने सर्किट लगा दिया और दोनों में से कोई एक चीज़ लगाया, तो एक दूसरे को ये ख़राब कर देगा। तो मैं चेंज कर दे रहा हूँ, तो आप बाद में वो क्लच लेके आइएगा, तो मैं आपका वायर भी चेंज कर दूँगा। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल जल सा गया है, बिल्कुल इसको चेंज करते हैं। जो भी हमारे चैनल में नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको नई नई वीडियो मिलते रहेगी। ये चार मुंह का पेचकस है, यानी प्लस पेचकस। इसमें एक स्क्रू लगा हुआ है, और एक स्क्रू लगा हुआ नहीं है। अगर होगा तो मैं लगा दूंगा इसको। इसको आपने निकाल लिया। अगर आपको समझ में नहीं आया कि इसको इसमें लगाना था, इसमें लगाना है, बाज़ वक्त ऐसा होता है कि एक तार बड़ी होती है, एक तार छोटी होती है, तो आप इसको तो एक तार को खोलें और एक तार को इसी तरह, ये एक नया ले लिया आपने, और इसको आपने इसको पहले लगा लिया। इसको इस तरह आपका जहन में नहीं रहेगा वो तार इसमें तार, अगर दोनों तार आगे पीछे भी हो जाएगा कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने इसको ये करना है कि एक निकाला एक लगा दिया, तो वरना तार में बाद वक्त तार छोटी बड़ी होती है, तो इस तरह एक तार में मोटर में जो है ना, अंदर के वाइंडिंग में खिंचाव पड़ेगा। तो लिहाजा ये है कि आप एक खोलें एक लगा लें इस तरह। वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें जो नए हैं। जो चीज़ें निकली थी, आप इसी तरह इसको लगा दें। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि इसमें छोटी बड़ी हो जाती है, साइज़ में लगता नहीं है, तो इसको घिस के इस तरह आगे पीछे कि इसका जो है अंदर का जो है वायर वगैरह जो है ना, इसे इस मोटर के साथ टच ना करे, करंट का कोई वास्ता ना रहे। ये लग गई है, ये जेन्युइन था, ये बस आप इसको इस तरह लगा दें। कोशिश करेंगे आप जो सर्किट मोटर का लगाएंगे ये अच्छा वाला हो, यानी कि कॉपर वाला, इस तरह जो कॉपर का होगा वो येलो नज़र आ रहा होगा। इसको किसी भी पेचकस से आप टाइट कर लें। इसमें एक पेच नहीं था,
पेच लगा देता हूँ, हम उन पेच नहीं मिलता है तो आप इसको क्या करें, यहाँ पे एक छोटा सा वायर लेकर के रखें, कोई कड़क वायर लेकर इसको टाइट कर सकते हैं। इस तरह का कोई तार हो इसको आप इस तरह लगा करके दोनों साइड से टाइट कर लें, तो इस तरह ये जो है ना आपको सर्किट लगाने में आपको कोई आगे पीछे नहीं होगा। ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।